इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 जीएम इंजेक्शन को केवल एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। इस दवा को लेने के लिए कोई भी निर्धारित अपॉइंटमेंट न चूकें। यदि आप बेहतर महसूस करते हैं तो भी उपचार का कोर्स पूरा किया जाना चाहिए। उपचार अचानक बंद करने से दवा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। इस दवा के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव मतली, उल्टी, दस्त, अपच आदि हैं। यदि कोई भी दुष्प्रभाव बढ़ जाता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। यदि आपको किसी एलर्जी प्रतिक्रिया, चकत्ते, खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ आदि का अनुभव होता है तो आपको तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप किसी स्वास्थ्य स्थिति के लिए कोई दवा ले रहे हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक उनींदापन हो सकता है। यह आमतौर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को खराब नहीं करता है, लेकिन अगर इससे आपको नींद आती है या चक्कर आते हैं तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेजी से ठीक होने के लिए आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए, साथ ही स्वस्थ आहार लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। आपके शरीर पर दवा के प्रभाव को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ प्रयोगशाला और नैदानिक परीक्षणों के लिए कह सकता है। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 जीएम इंजेक्शन के लाभ। जीवाणु संक्रमण का उपचार। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 जीएम इंजेक्शन में दो अलग अलग दवाएं, सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम शामिल हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एक साथ काम करती हैं। सेफोपेराजोन बैक्टीरिया के विकास को रोककर काम करता है। सल्बेक्टम प्रतिरोध को कम करता है और बैक्टीरिया के खिलाफ सेफोपेराजोन की गतिविधि को बढ़ाता है। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन का उपयोग कई अलग अलग जीवाणु संक्रमण जैसे कान, साइनस, गले, फेफड़े, मूत्रपथ, त्वचा और नर्म ऊतकों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये दवा आमतौर पर आपको कुछ दिनों के भीतर बेहतर महसूस कराती है, लेकिन आपको बेहतर महसूस होने पर भी इसे निर्धारित अनुसार लेना जारी रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया मर गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बने हैं। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 ग्राम इंजेक्शन के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है वे गायब हो जाते हैं। यदि वे बने रहते हैं या आप उनके बारे में चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 जीएम इंजेक्शन के सामान्य साइड इफेक्ट। श्वेत रक्त कोशिका गिनती में कमी, न्यूट्रोफिल। श्वेत रक्त कोशिका गिनती में कमी, लिम्फोसाइट्स। हीमोग्लोबिन कम होना। हीमटोक्रिट स्तर में कमी, कम रक्त प्लेटलेट्स। जमाव विकार। श्वेत रक्त कोशिका गिनती में वृद्धि, इओसिनोफिल्स। दस्त, जी मिचलाना। एलेनिन एमिनोट्रांसफ्रेज में वृद्धि। एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफ्रेज में वृद्धि। रक्त में क्षारीय फॉस्फेट का स्तर बढ़ना। उल्टी करना। रक्त में बिलीरुबिन का बढ़ना। मैग्नेक्स फोर्ट 1.5 जीएम इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें? आपका डॉक्टर या नर्स आपको ये दवा देंगे। कृपया स्वयं प्रशासन न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।